गुड मॉर्निंग आई कैन सी नाइकम से नाइकम जी दिख रहे हैं नाइकम जी आपके लिए थोड़ा बाउंसर जाने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस सेशन है बट वेलकम वेलकम नाइकम जी अनिल जी कुमारेश जी चंद्रकांत जी मेरी आवाज क्लियर है या गुड मॉर्निंग मेरी आवाज आई होप कि क्लियर है आनंद जी अनिल कुमार जी चंद्रकांत मिस्त्री जी कुमारी जी मनोज हजारी जी मीना जी नितिन जी राज किशोर जी राजकुमार जी राजू भाई जी राम जी चंद्रा जी सचिन जी सम्राट जी स्वप्निल जी उदय जी उग्रम जी और निकुम जी या पहली चीज मैं मैसेज में क्लियर किया था मैंने वापस एक बार क्लियर करता हूँ कि ये जो सेशन होते हैं ना सुबह के ट्रेडर्स जो ऑलरेडी ट्रेडर्स है एक बार आपने आपकी पांच वीक की लर्निंग जर्नी कंप्लीट कर दी उसके बाद आपको जरूर समझेगा पांच दिन की लर्निंग जर्नी कंप्लीट करने के बाद आपको जरूर समझेगा शुरुआत में आपको प्रॉबेबली नहीं समझेगा जब आप नए ट्रेडर हो इसके लिए मैं मैंने मैसेज में डाला था कि अगर कोई फ्रेश है जैसे आई थिंक नईकुम जी नईकुम जी आप फ्रेश हो राइट right? अगर आपको आवाज आ रही है मुझे पता नहीं कि उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है क्योंकि तो उनका ऑडियो का इशू दिखा रहा था मुझे तो अगर कोई एब्सोल्युटली फ्रेश है तो उसको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली समझ में नहीं आएगा ओके दिस इज फॉर हु इज ऑलरेडी ट्रेडर हाँ कई बार ट्रेड मैराथन बेसिक पे भी होते हैं उस समय में बोल देता हूं कि ये बेसिक के लिए है फ्रेश के लिए है आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस्ड है तो पहले तो हम मार्केट की तरफ देख रहे वी आर वॉचिंग एट द मार्केट ये डायनेमिक लेवल के कंसेप्ट है वन मिनट का डायनेमिक लेवल था यहां पे, जहां से एक जबरदस्त बाइंग आई थी लगभग दो सौ पॉइंट का रैली है वन मिनट के डायनेमिक लेवल से अगर आप पांच मिनट का डायनेमिक लेवल लेंगे फिर भी एक अच्छा रैली है लगभग डेढ़ सौ पॉइंट का रैली था राइट तो इट वाज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ ट्रेड कि कल का हाई ये आपका एलओसी है ये कल का हाई था कल के हाई को एग्जैक्टली exactly इसने सपोर्ट लिया पहली कैंडल के ऊपर डायनेमिक लेवल मारा पांच मिनट में यहां से आपको रिटेस्ट आया पार्केट ऊपर चला गया राइट अनिल कुमार जी राजकुमार जी सो इट वॉज अ वेरी सिंपल ट्रेड ओके अभी नाइकुंभ जी का ऑडियो चालू हो गया नाइकुम जी का ऑडियो बंद था बहुत टाइम से तो मैं उनको बता रहा था कि ये थोड़ा सा एडवांस लेक्चर है और एडवांस लेक्चर है एडवांस डिस्कशन है तो अभी अगर वो बेसिक पहले चार वीक जान के बाद में ही समझेगा उनको अभी नहीं समझेगा वाउंसर जाएगा ओके okay? सो so, मैं मार्केट के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता था कि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में ट्रेडिंग आप दो तरह से करते हो एक आप ऑप्शन से करते हो जनरली लोग ऑप्शन बाइंग ज्यादा करते हैं या फ्यूचर से करते हो अभी फ्यूचर भी बहुत सस्ता हो गया साठ सिक्सटी थ्री थाउजेंड को फ्यूचर आता है तो लोग फ्यूचर भी खरीदते हैं आप ऑप्शन में बाय कर रहे हो फ्यूचर से बाय कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो क्रेडिट स्प्रेड मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ट्रेड होंगे जो आपकी डायनेमिक लेवल के रिटेस्ट ये मेन लेवल है ये आपकी डायनेमिक लेवल होती है उसका रिटेस्ट जैसे आज बैंक निफ्टी में मिला या तो फिर एल ओ का ट्रेड इंटरनल एल का ट्रेड ये दो बेस्ट सिचुएशंस होते हैं आपको ट्रेड करने के लिए दो बेस्ट मेथड होते हैं व्हेन इट कम टू प्राइस एक्शन अगर आप प्राइस एक्शन की बिना ट्रेड करने चाहते हो तो जैसे आप मार्केट का व्यू लॉन्ग है तो कल के क्लोज के ऊपर कोई हैमर है कोई सपोर्ट है तो यू कैन टेक दिस ट्रेड दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग तो हम इन जनरल आने वाले 20-25 मिनट में इन जनरल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडेक्स ट्रेडिंग जो मैं बाद में बुटकैम्प में सिखाऊंगा बट अभी मैं आपको इन जनरल डिस्कस कर रहा हूं एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं निफ्टी आज थोड़ा सा वीक हुआ निफ्टी हैज कम डाउन अबिट ये आ, एक एलओसी मैंने मारी थी इंटरनल एलओसी इंट्राडे एल तो निफ्टी उसके नीचे आया और शायद अभी ये ट्रैपिंग हो रहा है शायद ऐसे लग रहा है मुझे और वापस एक बार उसके ऊपर आ गया एनी वेज बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सेल ऑफ काफी स्ट्रांग है तो निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं आया क्लियर कट सुबह से बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड आया था क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी अभी एलओसी पार किया है निफ्टी में तो एलओसी बहुत पहले पार हुआ था बैंक निफ्टी में अभी अभी एलओसी पार हुआ है तो बैंक निफ्टी अभी फ्लाई कर रहा है निफ्टी का एलओसी जो था इफ यू नो जैसे आपको पता होगा अगर आप पहले से कम्युनिटी में हो फोर थर्टी फोर था बाईस हजार चार सौ चौतीस था जो हमने लगभग एक महीने से मार्क किया था और यहां से मार्केट फ्लाई हुआ निफ्टी का बैंक निफ्टी में तो अभी अभी आया है एलओसी पे इसके लिए बैंक निफ्टी में इजी ट्रेड आया एनीवेज जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो पहली काम पहला आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है रिस्क मैनेजमेंट मैंने कल रात को सिखाया आप जैसे अभी कम्युनिटी में आए हो कल दोपहर को सिखाया उसका वीडियो मैंने अभी अभी डाला है अनाउंसमेंट के ग्रुप में और वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के बुटकैम्प में वापस आप सीखोगे आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट सही करनी पड़ेगी री इंपॉर्टेंट अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो दूसरी चीज आपको सीखना पड़ेगा व्यू बनाने को सीखना पड़ेगा Now, व्यू कैसे बनाते हैं व्यू इज वेरी सिंपल व्यू बनाने के जो तरीके हैं, वो आपको तरीके में सिखा रहा हूं व्यू कैसे बनाते हैं? जैसे कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो अलग अलग टाइप से व्यू बनते हैं पहली चीज ये है कि आपको ओवरऑल देखना है कि मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है मार्केट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट वाज मेकिंग हायर हाई हायर लो ये थोड़ा सा ट्रैप किया वापस ऊपर हायर हाई हायर लो थोड़ा सा ट्रैप होते है बीच बीच में ट्रैप होते हैं यहाँ पे ओके यहाँ पे ट्रैप होते हैं उसके बाद वापस हायर हाई हायर, हायर लो इस तरह से मार्केट इज वेरी स्ट्रांग सो यू कैन से कि मार्केट पोजिशनल व्यू इज वेरी स्ट्रांग यू कैन से इट स्ट्रांग है कि नहीं आपको यहां से भी समझेगा जब आप मार्केट में टेन ट्वेंटी डेमा डालोगे अगर आपने मार्केट में टेन ट्वेंटी डेमा डाला देन ओनली देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट इज वेरी स्ट्रांग ट्वेंटी डेमा के ऊपर टेन है टेन के ऊपर प्राइस है मार्केट इज वेरी स्ट्रांग नाउ शॉर्ट टर्म में आप मार्केट कैसे देखते हो आप एनालिसिस करने के लिए पांच ई एम ए यूज करते हो टेन ट्वेंटी टेन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड एंड टू हंड्रेड ये पांच डेमा बोलते हैं तक जाता है। उसके नीचे अगर गया, तो फिर मार्केट इज वेरी बैड तो दो सौ डेमा से यहाँ पे सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम तो दो सौ डेमा भी वेरी रेयरली आता है इवन हंड्रेड डेमा भी वेरी रेयरली आता है हंड्रेड डेमा इज दिस ब्लैक लाइफ तो जब ये मार्केट हंड्रेड डेमा आ रहा था तभी मैंने ग्रुप पे बात किया था कि हंड्रेड डेमा इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो हंड्रेड डेमा से उसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया मार्केट एग्जैक्टली हंड्रेड डेमा से सपोर्ट लिया तो आप ये देखते हो कि अगर अभी मार्केट फिफ्टी के ऊपर ट्वेंटी है ट्वेंटी के ऊपर टेन है मार्केट इसके ऊपर है इसका मतलब मार्केट इज वेरी स्ट्रांग वेरी क्लियर तीसरी चीज आपको शॉर्ट टर्म व्यू कैसे बनाना होता है कि मार्केट ने मार्केट कल के हाई के ऊपर गया कि नहीं लगातार दो बार अगर उल्टा हो जाएगा तो व्यू चेंज होता है मार्केट यहाँ पे यू कैन सी मार्केट कल के हाई के ऊपर गया मार्केट कल के हाई के ऊपर गया एक बार नहीं गया दैट इज ओके एक बार होना ओके okay. कल के हाई के ऊपर गया कल के हाई के ऊपर गया कल के हाई के ऊपर गया एक बार नहीं गया दैट इज ओके कल के हाई के ऊपर गया कल के हाई के ऊपर ऊपर गया एक बार नहीं गया okay. कल के हाई के ऊपर दैट इज ओके कल के हाई के ऊपर गया कल के हाई के ऊपर गया यहाँ पे यहाँ पे भी कल के हाई के ऊपर गया यहाँ पे नहीं गया यहाँ पे नहीं गया मार्केट का व्यू चेंज हो गया यहाँ पे नहीं गया एक दिन गया यहाँ पे भी व्यू तो यहाँ पे यहाँ पे आपका व्यू बायोन डिप्स था यहाँ पे सेल ऑन राइज है वापस कल के हाई के ऊपर कल के है के ऊपर बायोन डिप्स बायोन डिप्स ऑन डिप्स एक दिन नहीं गया ठीक है ऑन डिप्स ऑन डिप्स एक दिन नहीं गया ठीक है बायोन डिप्स यहां पे आपका व्यू चेंज हो जाएगा सेलोन राइज सेलोन राइज यहाँ पे वापस बायोन डिप्स हो गया तो अभी आपका जो व्यू है बायोन डिप्स है इसका मतलब मार्केट कंटिन्यूसली कल के हाई के ऊपर जा रहा है मार्केट का व्यू कब चेंज होगा जब लगातार दो दिन लगातार दो दिन ऐसे होगा कि ये रेड कैंडल है ये रेड कैंडल है और और एक रेड कैंडल है लगातार दो दिन मार्केट हाई के पास प्रीवियस डे हाई के पास नहीं पहुंच पाया तो अभी व्यू चेंज होगा तब तक मार्केट का व्यू पॉजिटिव है ओके तो मार्केट का व्यू क्या है बाय ऑन डिप्स सेम स्टोरी इन बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू क्या है ऑन डिप्स बैंक निफ्टी टेन और ट्वेंटी डेमा के ऊपर है उसके नीचे फिफ्टी डेमा है तो मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ वंस वंस यू आर डिसाइडेड कि चलो मार्केट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आपका एक बार ये व्यू बन गया कि मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग तो फिर आपको प्लान करना है थर्ड स्टेप इज प्लानिंग अगर आपका व्यू बाय ऑन डिप्स है जो आपके वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग साइडवेज मार्केट में होता है बाय ऑन डिप्स एक बार आपका ये व्यू है अभी अगर हजार पॉइंट भी आज मार्केट गिर गया आपको उससे कोई लेना देना नहीं है ओनली फोकस ऑन लॉन्ग साइड आप फ्यूचर खरीदोगे पुट क्रेडिट स्प्रेड करोगे या कॉल खरीदोगे आप शॉर्ट का सोचोगे नहीं भले मार्केट हजार पॉइंट गिरे आपका कोई संबंध नहीं है क्योंकि अगर आप ये सोचोगे की ऊपर गया तो बाय नीचे गया तो कॉल तो आपका माइंड हिलने वाला है यू आर गोइंग टू गेट ट्रबल यू आर नॉट गोइंग टू सी द्लियर कट प्लान क्लियर कट लेवल्स अभी सिंपल लेवल कौन सी होती है सिंपल लेवल होती है कल का हाई कल का लो वेरी सिंपल स्पेशल लेवल कौन सी होती है स्पेशल लेवल होती है कि अगर कोई पहले रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके आया है तो ये सपोर्ट बन सकता है लेवल इन प्ले और अगर मार्केट नीचे आया हुआ है तो ये एलओसी बनती है या आप सीखोगे दोनों लेवल इन प्ले एलओसी और डायनेमिक लेवल तो ये एलओसी होती है तो लेवल इन प्ले और ओ सी छोड़ के बेसिक लेवल कौन सी है कल का हाई कल का लो स्पॉट के ऊपर स्पॉट के ऊपर ट्रेडिंग करो कोई ऑप्शन के चार्ट में मत घुसो क्योंकि ऑप्शन का चार्ट जो है ना दैट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स वेगा है ग्यामा है, है आज कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो आज मंगलवार सुबह है कि मंगलवार दोपहर है या मंडे सुबह है मंडे दोपहर है कौन सा एक्सपायरी है काफी कुछ होता है यू ट्रेड ऑन स्पॉट दैट इज माई रिकमेंडेशन बाकी तो आपके ऊपर है ठीक है ना आपको जल्द से जल्द में जल्द से जल्द एक बढ़िया इनकम सोर्स क्रिएट करना है तो वो सुनो जो मैं आपको बोल रहा हूं इट्स वेरी सिंपल तो आपको कल का हाई मार्क किया कल का लो मार्क किया नाउ यू तीन चार प्लान है आपके पास सिंपल पहला प्लान आपका है कि अगर अप हो गया तो दिस इज और वो भी आप डायनेमिक लेवल के साथ लोगे तो बढ़िया है ये आपका प्लान नंबर वन प्लान नंबर टू ब्रेकआउट, अगेन डायनेमिक लेवल ये डायनेमिक लेवल है ये डायनेमिक लेवल है मार्केट इस तरह से जाएगा या कभी कभी मार्केट इसके नीचे ट्रैप करके भी जाएगा इसके नीचे ट्रैप करके भी जाएगा थर्ड है कि कल परसों में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है तो आप एलओसी मारोगे और एलओसी से यानी कल ही नीचे आया हुआ है मार्केट थोड़ा एल से चला जाएगा विथ ट्रैपिंग एल के ऊपर नीचे ट्रैपिंग करके चला जाएगा ये आपका थर्ड ट्रेड हो जाएगा और चौथा ये आपका रिवर्सल ये चार टाइप के ट्रेड आपको लेने हैं उसके अलावा कुछ भी होगा तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आप मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैकेनिकल ट्रेडिंग में कल के क्लोज के ऊपर हैमर दिखेगा यू कैन बाय अगर मार्केट का व्यू लॉन्ग है बाय ऑन डिप से कल के क्लोज के ऊपर हैमर दिखेगा यू कैन बाय कल के लो के नीचे कल के लो के नीचे आपको कल के क्लोज के ऊपर बट लो के नीचे हैमर दिखेगा यू कैन बाय बट विथ वन थर्ड क्वांटिटी दिस इज योर नॉर्मल क्वांटिटी बट ये थोड़ा सा मैकेनिकल सिंपल ट्रेडिंग हो गया दिस इज समथिंग यू शुड लर्न एंड यू शुड डू एल वगैरह सीखोगे सर पहले दिन नहीं मैंने बोला ना आपको पहले दिन तो आपको नहीं समझेगा ना कुछ आपको पूरा एक महीने के बाद ही समझेगा ये तो लाइफ टाइम है ना ट्रेड मैराथन डिस्कशन होते हैं जो लाइफ टाइम चालू रहते तो आपको पहले दिन एलओ और डायनेमिक लेवल वगैरह नहीं समझेगा पॉसिबल ही नहीं है ना वो आपका बुटकैम होने के बाद ही समझेगा आप चार बुटकैम होने के बाद ओके बट आपको गैप अप के बाद रिवर्सल लेना इस तरह से या तो फिर ब्रेकआउट लेना है एलओसी से ट्रेड लेना है या ये रिवर्सल नीचे के लो से चार ही ट्रेड है आपके पास नाउ ये ट्रेड आज एग्जीक्यूट हुआ ये प्लान ए है

व्यू वेरी स्ट्रांग है बाय डिप्स है तो आपको कल का हाई मार्क करना था आपने आपने कल का हाई मार्क किया ये कल का हाई था आपका ये आपका सपोर्ट हो गया उसके बाद में मार्केट यहां पे चालू हुआ और यहां से सपोर्ट लिया मार्केट ने यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया मार्केट यहाँ पे चालू हुआ यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया ऊपर जाके नीचे आएगा तो डायनेमिक लेवल मार्क करोगे आप ओके सो आप ये पहली कैंडल के ऊपर आपकी डायनेमिक लेवल हो गई मार्केट इसके ऊपर चला गया फिर दिस इज आल्सो ओके आपको ट्रैप मिला ट्रैप होके ऊपर आया वापस एक बार रिटेस्ट किया डायनेमिक लेवल को और फिर चला गया दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग इतना बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आया आप, आप वन मिनट पे भी ले सकते थे ट्रेड अगर वन मिनट वाले ट्रेडर अगर हो आप अगर वन मिनट वाले ट्रेडर अगर हो तो यू वुड हैव टेकन हियर पहली कैंडल के ऊपर ब्लू कलर मारते जनरली हम डायनेमिक लेवल को पहली कैंडल के ऊपर मारा ये ऊपर गया नीचे आया ये ट्रैप किया और जोर से बाइंग आया तो आपने यहाँ पे कहीं एंट्री किया होता समवेयर हि यू से लेके यहां तक आपका ट्रेड है लगभग दो तीन से लेके चारो दो सौ पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मिला टू हंड्रेड पॉइंट यू आर प्लस ऑलरेडी अगर वन मिनट में ट्रेड करोगे तो पांच मिनट में करोगे तो डेढ़ सौ पॉइंट का ट्रेड है तो इट वॉज अ टिपिकल वेरी मच दिस ट्रेड कि आपने नीचे आया ऊपर गया डायनेमिक लेवल पहले कैंडल के ऊपर सो दिस इज योर प्लान यस्टे हाई मार्केट दिस इज डायनेमिक लेवल एंड दिस इज योर दिस और दिस दिस इज योर एंट्री बैंक निफ्टी में भी वही हुआ आपका ये कल का हाई था मार्केट का पहला कैंडल नीचे आया ये आपका डायनेमिक लेवल था मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया यहां से आपको एंट्री मिला विद ट्रैप फिर एक बार रिटेस्ट करके चला गया एग्जैक्टली सेम ट्रेड हैपन ओके यू कैन सी दिस हाउ इट वर्क हाउ ब्यूटीफुली डायनेमिक लेवल वर्क क्या जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आया अमेजिंग शॉर्ट कवरिंग क्योंकि क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बैंक निफ्टी में ब्लास्ट मोड में है ना बैंक निफ्टी में मार्केट ऑलरेडी ब्लास्ट मोड में है ना आपका जो आपका एलओसी कहा था आपका एलओसी पार हुआ है ना आपका एलओसी था अभी एलओसी पार होने के बाद मार्केट तो ब्लास्ट करता है ओके सो इट वाज़ अ ओके फिन निफ्टी में आपने किया था या फिन निफ्टी में सेम स्टोरी है एग्जैक्टली सेम स्टोरी फिन निफ्टी का देखो एलओसी मार्क किया हुआ है ये फिन निफ्टी का एलओसी है और फिन निफ्टी में भी वैसे ही ट्रेड आया होगा मैंने आज सुबह से फिन निफ्टी देखा नहीं है ये आपका कल का हाई था देखो कल का हाई था एग्जैक्टली सेम स्टोरी फिन निफ्टी में गोपाल जी ने बढ़िया ट्रेड लिया ये कल का हाई था कल का हाई था ये आपका पहला कैंडल पहले कैंडल के नीचे ट्रैप होके ऊपर आया एंट्री लिया ये शॉर्ट कवरिंग आया आप अगर वन मिनट पे लेते वन मिनट पे अगर आप लेते तो आपका ये एंट्री है ये आपका डायनेमिक लेवल है वन मिनट पे यू कैन सी आप देख सकते हो डायनेमिक लेवल पे किस तरह से बाइंग आ रहे कैसे बाइंग वन मिनट पे देख सकते हो आप यहां पे बाइंग आया मार्केट ने यहां पे पहुंच ही नहीं पाया मार्केट शॉर्ट कवरिंग आया यू कैन सी द पावर ऑफ डायनेमिक लेवल डायनेमिक लेवल इज अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट किस तरह से डायनेमिक लेवल चला फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों में ओके, okay. निफ्टी में आई थिंक एलओसी पार हो गया निफ्टी में मैंने सुबह जो एलओसी मारा था थोड़ी देर पहले दिखाया भी था बट वो निकल गया मैंने सुबह की फोटो में मारा हुआ है एलओसी इफ यू नो सुबह की फोटो में इंट्राडे एलओसी मारा हुआ है और मैं थोड़ी देर पहले जैसे आज का लेक्चर चालू हुआ मैं बात भी कर रहा था कि यहाँ पे वो शायद ट्रैपिंग करके ऊपर आ रहा है मैंने ये अगर ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग आप देखोगे रिकॉर्डिंग में जब डालूंगा आप देखोगे तो मैं बात भी कर रहा था पर ऑब्वियसली मैं कॉल नहीं देता तो मैं वहां से निकल गया मुझे दिख रहा था तो मैं वहां से निकल गया तो मैं बात भी कर रहा था कि शायद यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है और देखो क्या हुआ एलओसी को पार करने के बाद ट्रैपिंग के साथ सी इंट्राडे में जब आप एलओसी ट्रेड करोगे तो ट्रैपिंग इज रिक्वायर्ड आई रिपीट इंट्राडे में एलोसी करोगे ट्रैपिंग इज मस्ट तो ये पेट्रोल है ये ब्लास्ट के लिए पेट्रोल है जब हमने आज ये लेक्चर चालू किया पंद्रह मिनट पहले तब पहले निफ्टी देखा था और तब मैं बात भी कर रहा था कि ये एलओसी है और यहाँ पे एलओसी के नीचे ट्रैपिंग शायद हो रहा है तो वही ट्रैपिंग हुआ और ये ब्लास्ट हुआ और निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बेसिकली जैसे मैं हमेशा आपको मैं जब ये लेक्चर चालू किया तो आपको क्या बोला कि देर आर ओनली टू वेज यू शुड बी ट्रेडिंग देर आर ओनली टू वेज यू शुड बी ट्रेडिंग एक है कि डायनेमिक लेवल ये सारे इसमें डायनेमिक लेवल देखो एक डायनेमिक लेवल है डायनेमिक है, है तो एक तो डायनेमिक लेवल से ट्रेड करो देखो दिस इज दिस इज दिस दिस इज इज एंड एल ट्रैप तो दो ही टाइप के ट्रेड्स आपको लेने हैं एक तो डायनेमिक फिर कोई भी डायनेमिक लेवल हो ओके डायनेमिक लेवल या तो फिर एलओसी ये दो ही टाइप के ट्रेड्स आपको लेने हैं ये मैं पहले जब मार्केट चालू हुआ डिस्कशन तभी मैंने आपसे बात किया Fantastic, Kumar is great, amazing. Sir, Nifty took profit at LOC. Uh, uh, Sir, Nifty made profit at LOC. EFC intraday, if you consider trade as per hourly if we consider a trade as per hourly because hourly dynamic level is broken नहीं समझा मुझे सर मैं मदर सन सिलेक्ट किया है सीन के दिस नई एलो सीखो सीखोगे आप सेलर्स ओआईबीए कुछ जरूरत नहीं है देखने की सेलर्स सेलर्स अपना स्टॉप लॉस ले रहे हैं जो बाय ऑर्डर है राजीव जी सेलर अपना स्टॉप लॉस ले रहे जो बाय ऑर्डर है सेलर्स मार्केट से भाग रहे खत्म कहानी खत्म सेलर मार्केट से भाग रहे स्टॉप लॉस ले रहे मार्केट ऊपर जाएगा कहानी खत्म ठीक है राजीव जी ये क्लियर है ये क्लियर है चीज पहले जो मैं आप सिखा रहा था कि आपको एक तो एलओसी पे ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल आज आपको मिल गए यू गॉट बोथ एग्जाम्पल्स दो ही टाइप की ट्रेडिंग इंडेक्स में बढ़िया चलती है मैंने कल भी बोला था परसों भी बोला था नर्सों भी बोला था कि इंडेक्स में दो ही टाइप की ट्रेडिंग अच्छी चलती है एक एल ओसी विथ ट्रैप दिस इज कॉल्ड एलओसी विथ ट्रैप एलओ पार हुआ फिर ट्रैप हुआ फिर चला गया दूसरा है डायनेमिक लेवल रिटेस्ट डायनेमिक ले रिटेस्ट कराया फिर चला गया ये दो ही टाइप की ट्रेडिंग बढ़िया चलती है क्योंकि वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी वहां पे आपका स्पीड और वहां पे आपका रिवॉर्ड रिस्क तीनों जबरदस्त है तीनों बेहतरीन है इसके लिए कभी भी उसी पे ट्रेड करना है नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो भी आप पूछ रहे हो मदरसन नीचे से ले लेता हूं मैं मदरसन सुमी को आपने सिलेक्ट किया ठीक है डेली में सिलेक्शन तो बढ़िया है डेली में सिलेक्शन तो बढ़िया है जो आपने पूछा था पीएफसी में सम्राट जी ने इंट्रा डे लिया पीएफसी सर आप एलओसी के ऊपर से कर रहे हो क्या ट्रेडिंग एल के बाद का ट्रेडिंग कर रहे हो ना सम्राट जी मेरे हिसाब से सो so, एलओसी के बाद का ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो कल का हाई ये था सो so, शायद आपने ये रिवर्सल लिया था शायद आपने ये रिवर्सल लिया है यहां पे इतना दूर लेने में कोई पॉइंट नहीं है रिस्की हो जाएगा आपने अगर ये रिवर्सल लिया है तो अच्छा ट्रेड लिया आई डोंट नो कि आपने क्या ट्रेड लिया अगर आपने ये रिवर्सल लिया है तो आपको ये रिवर्सल पे ये डायनेमिक लेवल भी मिली तो आपने ब्रेकआउट लिया ना वो बहुत दूर हो जाता है ये बहुत दूर हो जाता है मुझे नहीं पता आपने क्यों लिया इतना दूर ले लेना ही नहीं है ट्रेडिंग इतना दूर क्यों लेना है पांच सौ तेरा पे क्यों लेना है कल के हाई के कल के हाई के इतना ऊपर क्यों लेना है क्या हिसाब से ले रहे हो कल के हाई की इतना दूर एंट्री क्यों ले रहे हो पांच सौ तेरा पे क्यों लिया आपने आपको वेट करना चाहिए था ना आपको ये वेट करना चाहिए था रिवर्सल पे लेना चाहिए अगर आप वन मिनट पे भी इसको ट्रैक करते तो यू कैन सी वन मिनट में यहाँ से रिवर्सल हुआ आपके हाई से आपको रिवर्सल हुआ ऊपर गया देखो दिस इज योर एंट्री ये आपकी एंट्री है आपको और एक बढ़िया मौका मिला यहाँ पे ये यह आपकी एंट्री थी अभी बार बार अगर ये लो बना के नीचे आ रहा है बार बार थर्ड टाइम आ जाएगा तो छोड़ देना है पर आपने लिया ही नहीं इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ बोलिए सम्राट जी बोलिए सम्राट जी मैंने आपको अनम्यूट किया है चलो अभी अनम्यूट करिए सबको किया साथ में की हैंडल ने बहुत प्यार का हाई मार किया था जो के ऊपर डायनेमिक लेवल के ऊपर से, से इंटरव्यू हुई नहीं पर बहुत दूर हो गया ना वो डायनेमिक लेवल कहां पे आपको रिटेस्ट कहां से आया कहां कितना दूर हो गया ना वो ये ब्रेकआउट हैंडल का ये के ऊपर इंटरव्यू हुई आवाज नहीं आ रही है मुझे कुछ भी था एक मिनट रुकिए तो मुझे आवाज नहीं, नहीं आतीम हाँ बताइए आवाज बहुत कम है सर कुछ भी नहीं आ रही है आवाज तो एक मिनट रुकिए मैं मेरे यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है क्या देख लेता हूँ इतनी आवाज क्यों कम आती है यार हाँ... है आवाज आवाज है है मुझे नहीं आ रही इतना दूर एंट्री नहीं लेना है ना फोर नाइन्टी नाइन पे दो परसेंट दो अढ़ाई परसेंट ऊपर एंट्री ले रहे हो आप तीन परसेंट नहीं मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है सर बाद में आप मुझे व्हाट्सअप कर देना मुझे कुछ नहीं समझ रहे थे आप आवाज ही नहीं आती आपकी अभिजीत जी आपका सिलेक्शन ठीक है ठीक है ओके मुझे आवाज नहीं आ रही सम्राट जी आप बाद में कॉल कर लें इतना दूर आपने क्यों लिया मुझे नहीं समझा दूर है ना पर वो मेन लेवल से बहुत दूर है इस तरह का होता तो अच्छा होता रानी जी ये थोड़ा सा ठीक है आप बोल सकते हो कि ऐसे था ना कल तो ये हार्डली ट्रेंडिंग है ठीक है बट बत... अगर वैसे होता तो ज्यादा अच्छा रहता ये आपका शायद ट्रेड चल रहा है क्योंकि ये डायनेमिक ये एलओसी को पार कर रहा है इसके लिए चल रहा है बट अगर वो एंगल इस तरह से होता ज्यादा अच्छा होता ऐसे होने से तो अगर दूर है तो सम्रट जी नहीं लेना है ना दूर है तो नहीं लेना है रिवर्सल का वेट करना है एशियन पेंट में सिलेक्ट ही नहीं करूंगा ना एशियन पेंट क्यों सिलेक्ट करूंगा नो एशियन पेंट इतना साइडवेज है मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा उसको इतना निगेटिव है लॉन्ग के लिए तो सिलेक्ट नहीं करूंगा ना ही शॉर्ट के लिए करूंगा पता नहीं मैंने एशियन पेंट्स आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगा आई डोंट नो क्या वाला एलओसी है एलओसी के लिए मार्केट फिफ्टी डे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए एलओसी के लिए टेन मार्केट ट्वेंटी शुड बी अबाउट फिफ्टी मार्केट ऊपर होना चाहिए यहाँ पे कहाँ एलओसी मार्केट शुड बी सी एलओसी का कॉन्सेप्ट समझो डेली में मार्केट अगर इस तरह से जा रहा है ना डेली में मार्केट अपट्रेंड में है दिस इज योर एलओसी यहाँ पे एलओसी नहीं मारनी है एशियन पेंट इतना खराब है इसमें एलओसी का उसको सिलेक्ट ही नहीं करूंगा एलओसी वगैरह बहुत दूर की बात मैं सिलेक्ट ही नहीं करूंगा उसको इतने खराब स्टॉक को यू वॉन्ट यू वॉन्ट टू यूज दिस अपट्रेंड ओनली आपको अपट्रेंड में थोड़ा सा जो नीचे आके रिट्रेसमेंट है वो लेना है एलओसी के लिए राइट right. ये नहीं लेना है ओके okay, मीना जी आई आर एफ सी आपको एलओसी पे इंट्राडे करना है नहीं है डायरेक्टली निफ्टी एल पे आई पे आप शायद इंट्राडे ऊपर का इंट्राडे कर रहे हो शायद तो ये आपका ओवरऑल पांच मिनट में मार्केट देखना पड़ेगा पांच मिनट में पांच मिनट में यू कोड सेड दिस इज योर एलओसी मे बी और यह आपका कहीं एलओ सी था शायद यस yes, प्रोबेबली तो ये आपका पहले कैंडल ने एलओसी पार किया और इतना दूर तो आप एंट्री करोगे नहीं ना स्वप्निल जी तो ये नीचे आया अभी एलओसी के नीचे है यू आर एब्सोल्युटली राइट राइट रिटर्न आपने जो भी लिखा है चैटबॉक्स में आई विल नॉट रिपीट डेट क्योंकि ये स्टॉक के बारे में है तो मैं ज्यादा यू नो की मैं ज्यादा बात नहीं करता बट व्हाट एर यूर रिटर्न इज एप्सुलटली आई एग्री टू इट न आई एग्री टू दैट स्वप्निल जी आई एग्री यूनियन बैंक यूनियन बैंक वॉज वेरी स्ट्रांग एलओ सी इज ऑल्सो ब्रोकन है आप शायद मैकेनिकल ट्रेड ले रहे हो मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हो ना यूनियन बैंक राम जी एलओ सी नहीं यूज कर रहे हो मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हो राइट तो आपका यहाँ पे आया फिर ट्रैपिंग हुआ फिर ऊपर गया इतना दूर आप एंट्री तो नहीं करोगे तो यहाँ से कहीं आपने रिवर्सल लिया होगा तो इट्स वेरी टफ क्योंकि ये बड़ी बड़ी जा, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है आपने ये है? ये एरिया में कहीं रिवर्सल लिया होगा कि चलो अभी ये रिवर्स हो रहा है मैंने यहाँ पे ले लिया और ये स्टॉप लॉस रख दिए इसके ऊपर ऐसा कुछ ट्रेड किया होगा तो ठीक है 157 के लिए 157 हां 157 पे बाय किया था 157 पे बाइंग 157 जी जी 157 तो कल का हाई है ना नहीं आज हुआ रिवर्सल हुआ है तो बहुत जल्दी पकड़ा आपने तो फिर ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा टारगेट हो गया ना आपका जीज़। टू जीज़। वन तो हो गया अरुण जी वेलकम एबीसी कैपिटल अच्छा ट्रेड लिया आपने पर आपने बहुत ही नजदीक पकड़ा है उसको आप शायद रिवर्सल के लिए बैठे ही थे वहां पे आएगा तो पकड़ूंगा एबीसी कैपिटल ओवरऑल स्ट्रोंग है आई एग्री आपने मीना जी ये मारा होगा आपका और दिस कुड बिन योर एलओसी। ये आपका एलओसी है मेरे हिसाब से दिस इज योअर पॉबली एलओसी। ओ कैपिटल की करेक्ट और अभी इसके ऊपर गया नहीं ना एलओसी पे फाइट चल रही है एलओसी पे फाइट चल रही है यू कैन से दैट यस 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 यू कैन से चलो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि एक बार बैंक निफ्टी निफ्टी देख लेते आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना पावरफुल होता है अगर आप इंडेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डायनेमिक लेवल यूज करनी है क्या ट्रेड था आज मैंने सुबह एक मिनट पे यहाँ पे ट्रेड आया पहले मिनट पे आपको दिस इज योर ट्रेड फोर्टी नाइन थाउजेंड वन ट्वेंटी सेवन पे आया लगभग चार सौ पॉइंट का ट्रेड मिला वन मिनट पे जिन्होंने लिया चार सौ पॉइंट का ट्रेड मिला जिन्होंने पांच मिनट जिन्होंने पांच मिनट में लिया होगा यहां पे उनको तीन सौ पॉइंट का ट्रेड अभी भी मिला है व्हाट शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कितनी जबरदस्त होती है उसका एक डेमो मिला आज आपको हाउ शॉर्ट कवरिंग इज हैपनिंग फ्रॉम लेवल कितना जबरदस्त होता है शॉर्ट कवरिंग और एलओसी ट्रैपिंग भी कितना जबरदस्त होता है वो भी आपको समझा कि आज ये हमने एलओसी तो सुबह मारी थी आज एलओसी यहाँ पे मार के रखी थी राइट यहाँ पे मारी थी एलओसी एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसे मारी थी एल ओ सी शायद यहाँ पे एल सी मारी थी हमने यहाँ यहाँ पे इट वॉज लाइक दिस ना आज सुबह जो मैंने फोटो डाला है निफ्टी का एल ये है ऑब्वियसली इंट्राडे एलओसी एल यहाँ से यहाँ क्योंकि ये तो आज का मार्केट है तो मार्केट इसके नीचे आया एक बार ऊपर आया वापस गया और ये ट्रैपिंग हुआ एंड दिस वॉज फाइनल नेल ऑन कॉफिंग फाइनल फाइनल लेलिन कॉफिन तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एलओसी में मार्केट इंट्राडे के लिए इस तरह से ही होना चाहिए ये रिक्वायर्ड तो दैट इज हैपन ये ऊपर आके यहाँ पे ट्रैपिंग करके फिर ये ब्लास्ट हुआ <laughs> कोई आदमी यहाँ पे भी मार्क करेगा कोई आदमी बोलेगा सर यहां से गिरा तो मैं एलओ शिफ्ट करूंगा स्टिल स्टिल इट्स अ ट्रेड यानी कोई अगर इस तरह से मार्केट को आज देख रहा है तो आपका एल ये हो जाएगा यहां पे आ जाएगा स्टिल इट्स अ ट्रेड ओनली तो यहां पे yes. ट्रैपिंग के बिना आ जाएगा विदाउट ट्रैपिंग हो गया आई होप कि आपको अभी आप में से कुछ लोग जैसे मैं बोल रहा था कि न्याकुम जी है या और कोई है जैसे पहली बार आए हैं ना रवी जी है तो उनको तो नहीं समझेगा क्योंकि एल वगैरह चीजें थोड़ी हायर चीजें हैं आपको चार से पांच वीक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद समझेगा आई विल अगेन रिकमेंड कि आज का भी ट्रेड मैराथन है पिछले मुझे लगता है पिछले पांच या छह ट्रेड मैराथन है ना वो सारे मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में लायन के डिस्क्रिप्शन में पिछले पांच या छह ट्रेड मैराथन डाल दूंगा हर एक ट्रेड मैराथन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज के लिए ठीक है बहुत कुछ सिखाया है उसमें बरे वो बाद में मैं सिखाता हूँ बुटकैम में भी बट फिर भी तो जैसे कि आज का ट्रेड मैराथन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज का रिकॉर्डिंग भी आपको देखना है इट विल रियली हेल्प यू ठीक है रानी जी बोलिए हाँ सर जैसे ऊपर कोई ये नहीं अपन जैसे अभी निफ्टी में अपनी ये लगाई है और ऊपर अपन को टारगेट क्या रखेंगे जैसे ऊपर तो कोई टारगेट दिखता ही नहीं है येलो ये मार्क करके ही ऊपर चला गया तो ऊपर टारगेट क्या रखेंगे अपन यूज 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 करो 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 ना में यूज़ करो। या ऊपर से डायनेमिक लेवल बनती है क्या देखो अगर ऊपर से डायनेमिक लेवल बनती है डायनेमिक लेवल से रिटेस्ट होता है तो आप छोड़ दोगे ना जैसे वन मिनट है ठीक है सपोज आपने सोचा होता कि ये मेरा यहां पे नीचे आया मार्केट ओके दिस इज माई ऊपर से डायनेमिक लेवल नीचे जाने वाला अभी मार्केट इसके नीचे गया अगर मार्केट इसको रिजेक्ट करता तो हो गया मार्केट खत्म हो गया फिर अब ट्रेंड बट नहीं किया ना मार्केट ने इसको भी वापस तोड़ा डायनेमिक लेवल को जो रिवर्स डायनेमिक लेवल है तो इसका मतलब मार्केट अभी तक नहीं रुक रहा है ना मार्केट कैसे रुकेगा मार्केट में टॉप कैसे बनेगा कि मार्केट में ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल आएगी उसके बाद मार्केट इसके नीचे आएगा और यहां से गिरेगा जब यहां से मार्केट रिजेक्ट होगा तभी आपको मार्केट यहां से रिजेक्ट होगा मार्केट यहां से रिजेक्ट होके गिरने लगेगा तभी आप बोल सकते हो कि ये टॉप बन गया पांच मिनट में ऐसे दिखेगा एक मिनट पे ऐसे दिखेगा या तो फिर एम यूज कर सकते हो आप ठीक है सर या तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे, पे दिख रहा है आपको एक लोअर लो बनाएगा इस तरह से दिखेगा ना आपको हाँ। तो उसके बाद तो ये दो तीन मेथड है कि आप उसको अभी ऊपर कुछ नहीं है तो इस, उस तरह से निकल सकते ओके चलो ओके अभिजीत जी आनंद जी थैंक यू सो मच मैंने टाइम टेबल डाला है हम कल कल मिलने वाले हैं वेलकम के लिए मैं इसका रिकॉर्डिंग शाम तक आ जाएगा पहले के दो तीन ट्रेड मैराथन के रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा वो भी देख लेना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग एंड सम गुड नॉलेज यू विल गेट फ्रॉम दैट ओके आनंद जी अरुण जी निरपाल जी अविनाश जी मिस्त्री जी चंद्रकांत जी, दीप, दीप शर्मा जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी अलग अलग दो अभी गोपाल जी हो गए कल कोई बोला हरी जी हाय धर्मेंद्र जी जितेंद्र कौर जी कृष्णा जी कुमारी जी मीना जी या टाइम लगेगा थोड़ा सा मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा आपको वीडियो है ऑलरेडी आपके लौक लॉग में मीना जी प्रशांत जी राजकिशोर जी राजीव दास जी राजू भाई जी राम अधीन जी रानी जी दिनेश जी रविक जी सचिन जी समीर जी संजोग जी स्वप्निल जी निकुभ जी उदय जी उग्रम जी वंदना जी और विनायक जी थैंक यू सो मच गुड बाय सी यू आज का रिकॉर्डिंग वापस जरूर देखना या yeah. टाइम लगेगा कैसे सम... आपको तो कुछ नहीं समझेगा आपको कह... आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना मैंने आपको चार बार बोला मार्केट आपका आज का सेशन चालू होने के बाद आपका नाम लेके पांच बार बोला बट आपका ऑडियो ही बनता आप गाड़ी में थे ट्रेवल कर रहे थे तो आपको एक महीना तो ट्रेड मैराथन समझेगा ही नहीं मैंने चैटबो आपको मैंने मैसेज में भी लिखा है जब आज का लेक्चर के बारे में बो, बोला था तभी बोला था आपको समझेगा ही नहीं ना आपको बेसिक ही नहीं पता तो क्या समझेगा ये दूर की बात है बहुत आपको पांच वीक के बाद ही अटेंड करना है फिर भी आप अगर आए तो ठीक है बट यू आर डिफिकल्ट कि आपको समझेगा ही नहीं बाउंसर ही जाएगा ना यू विल नीड फाइव वीक्स आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो अगर आप डायरेक्टली पीएचडी के क्लास में बैठे तो कैसे समझेगा इट विल टेक टाइम ना पांच वीक के बाद ही समझेगा सर चलो थैंक यू सो मच गुड बाय गुड बाय बाय थैंक यू स्वप्निल जी बाय Bye. See you. Bye.